Academic Bank of Credit. Academic Flexibility, Multidisciplinary, Distributed Teaching Learning and Multiple Entry and Multiple Exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए यूजीसी द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। यूजीसी द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। AICTE ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग बढ़े, इसके लिए UGC ने क्रेडिट ट्रांसफर के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोबल स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आने से विश्व पटल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। NDER, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। डिजिटल फर्स्ट की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित होगा, ताकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इनोवेटिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां टीचिंग लर्निंग, प्लानिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है NDER। स्कूल शिक्षा विभाग तथा IT मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। शिक्षा के विभिन्न आयामों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण है। NETF प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आदि आयामों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को परामर्श देगा। NETF शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा KG से PG तक शिक्षण और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा, ताकि देश 21वीं सदी में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर के रूप में छलांग लगा सके।